धारदार हथियार से हमला करने के मामले में 6 आरोपियों को खुरई न्यायालय ने 5-5 वर्ष की सजा सुनाई। खुरई में खिमलासा रेलवे गेट के पास एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपियों को धारा 326 का दोषी मानते हुए 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार यादव की कोर्ट ने सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बलवीर सिंह ने बताया कि घटना दिनांक 8 नवंबर 2017 की है, जब फरियादी महेंद्र सिंह निवासी मरनी, जो खुरई से अपनी बाइक से घर वापस जा रहा था, लेकिन खिमलासा रेलवे गेट बंद होने के कारण वह रुक गया। वहां मरना निवासी हरिराम राय, पप्पू राय, सरदार सिंह राय, हरगोविंद राय, अजय राय और ढीमाढाना निवासी जगदीश मिश्रा आ गए और पुराने पैसों के लेन देन को लेकर हरिराम राय गालियां देने लगे। मना करने पर उसने तलवार से सिर पर हमला कर दिया, जिससे कई जगह से खून निकलने लगा। साथ ही अन्य आरोपियों ने भी लाठियां और लात घूसों से मारपीट कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों पर धारा 326 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था, जहां न्यायालय ने सभी को मामले में दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना किया गया। खुरई से योगेंद्र सिंह गौर की रिपोर्ट। ये है जो 8/11/17 की रात्रि 9:30 बजे की बात है। महेंद्र सिंह ठाकुर निवासी मणनी अपनी मोटरसाइकिल से 9:30 बजे अपने गांव वापस जा रहे थे, तो रेलवे फाटक खिमलासा रोड गुरुकुल स्कूल के पास जैसे पहुंचे तो पुरानी बुराई पर से हरिराम राय निवासी मणना आया और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो उसने तलवार इसके फरियादी के आँख के ऊपर मारी, जो उसके सिर के पीछे तक लगी। उसी समय ये आरोपी गण क्या नाम से पप्पू राय, सरदार सिंह राय, हरगोविंद राय, अजय राय सभी निवासी मणना एवं जगदीश मिश्रा निवासी ढेमना भी आ गए। इन लोगों ने भी लाठी डंडा और राड से महेंद्र सिंह के साथ मारपीट की, जिससे महेंद्र सिंह के पूरे शरीर में चोटें आईं। मामला पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां पर गुण दोषों के आधार पर न्यायालय द्वारा मामला प्रमाणित पाया गया और सभी आरोपी गणों को धारा 326 IPC में 5-5 वर्ष की सजा, 1,000 रुपये से दंडित किया गया।